पिछले दिन जाने समय मेरे साथ मॉस्टर का मुलाकात हुई थी। बाकी उसको पेट बनाने के लिए आपको उसके पास जाना होगा। तो ऊपर बैग का साइन चेंज होते ही आपको उसके इन्वेंटरी में आपके पास से टिंटू बेरी को ट्रांसफर कर देना होगा। और उसके बाद आप उसके पास पास ही घूमते रहना। जब उसको फिर से भूख लगेगा आपको फिर से आपके हॉट बार पे रखे हुए टिंटू बेरी के ऊपर क्लिक करना होगा, तो वो फिर से खाना खाने लग जाए। पहले आप काम करना कि हॉट बार में टिंटू बेरी को लेकर रख देना, तो बाद में परेशानी नहीं होगी फिर आप लोगों को। तो जो भी हो, होला टेल्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से फिर से और एक बार खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवॉल्व। फाइनली ये मॉस्टर तो टेम हो चुका है और आप इसको लेके चलते अपने घर। ये बहुत ज्यादा स्लो है और देखो उतना ही प्यारा है यार। ये तो मुझे बहुत खराब लग रही है यार, इसका वेट इतना ज्यादा है कि ये चल भी नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा खराब लग रही है, लग रही है कि मैं इसको उठा के लेके जाऊँ। इसको इतना ज्यादा कष्ट हो रही है, मैं बहुत दूर से इसको लेके आई हूँ। देखो बहुत खराब लग रही है मुझे, बहुत कष्ट करके ये फाइनली मेरे घर तक तो आ चुका है। और इसको मैं अभी स्टॉप कर देती हूँ। बाकी इधर पे दोनों मेरी लूसीफर और ब्राउनी तो थी, और बाकी हम अभी चलते हैं सामने की तरफ। मुझे अभी सोना नहीं है। रात को मैं एक इन्वेंट्री के एक लाइट फिर से मुझे दिख गई थी, तो मैं दौड़ दौड़ के फिर से उसके पास आ गई थी। और अभी देखो सुबह भी होने को है, और इन्वेंट्री का वो जो आप लोग इधर पे आ जाना, आने के बाद ना आप लोग थोड़ी देर खड़े रहना। खड़े रहने से वो जो इन्वेंट्री का जो लाइट के ऊपर जो वो इन्वेंट्री का जो साइन आता है ना, वो देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, देख रहा है। तो वो जब नीचे आ जाएगा ना, ये एक सप्लाई क्रेट होते हैं। इससे कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट सिर्फ जल रहा है और इन्वेंट्री का ये जो घूम रहा है चक्कर की तरह, वे नहीं दिखता है। तो जाके कुछ देर खड़े रहना, तो कुछ देर बाद देखना अपने आप ही वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आने के बाद आप उससे बहुत सारी चीजें को पा सकते हो, इसका एक एडवांटेज है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके उसे कलेक्ट करने की। और ये भी ध्यान रखना कोई डेंजरस एरिया पे मत घुस जाना, तो फिर आप अगर मर गए तो हो गया, बात खत्म। फिर तो और ही एक मतलब लोचा हो जाएगी फिर। तो कोई नहीं, चलो अभी हम चलते हैं एक दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे मैं अपने घर बनाने वाली हूँ। तो मैं मेरी पूरी फैमिली को लेके अभी जा रही हूँ। बाकी इधर पे कॉम्पी आ चुका है, जिसके लिए ब्राउनी बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, तो मैं इसको मार देती हूँ फटाफट से। अरे यार, अरे मुझे मारने नहीं देगा ये लोग मतलब एकदम सुपर फास्ट है मेरे से भी। तो चलो इसको हम मार देते है इधर पे और चलते है यार। हो गया ना आप लोगों का भी, अब चलो। बहुत बहुत ज्यादा पहाड़ तोड़ लिया एक छोटा वाला कॉम्बी के पीछे पर एक। तो फाइनली इधर पे तो हम आ चुके हैं। बाकी फिर से देखो ब्राउनी को, मतलब क्या है ब्राउनी, तुम्हें क्या मतलब कोई शांति नहीं है। बार बार इसके पीछे उसके पीछे, देखो एक डिलस पसरस के पीछे ये लोग पड़ चुका है। इसको मैं भी थोड़ा सा मान यार, ये मौसम कहाँ से मिडिल में आ गया अचानक से। तो ये लोग बहुत ज्यादा मदद कर चुका है मेरे। तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही मैं इधर पे एक फ्लोर को लगा देती हूँ। बाकी ये लोग तो है ही मेरे रक्षा करने के लिए। देखो कैसे घूम रहा है, देखो मेरे चारों ओर, बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा प्यारा, क्या ही बताए। तो चलो फटाफट से इधर पे वुडन फ्लोर को मैं फटाफट से सेट कर देती हूँ। सामने की तरफ चलते हैं और देखते हैं और ज्यादा वुडन वगैरह लगेगा, क्योंकि वुड फ्लोर बनाने के लिए थैच, वुड एंड फाइबर, इन तीनों चीजों का जरूरत है। तो थैच तो हम लोगों को, थैच और वुड तो हम लोगों को मिल ही जाएगा पेड़ से, और बाकी फाइबर आप लोगों को पता है कि बुशेस से मिल जाती है। तो फटाफट से सारी चीजों को कलेक्ट करते है और बनाते है अपने वुडन घर। पिछले वाला घर मेरे थैच की है, बाकी ये वाले घर को मैं ऊट का बना रही हूँ। तो वुडन फ्लोर को फटाफट से, चलो फटाफट से चारों ओर में सेट कर चुकी हूँ। अभी देखो कितना ज्यादा धूप उठ चुकी है। बाकी मैं चलती हूँ, फिर से मेरे सारे कुछ खत्म हो चुके हैं, फटाफट से कलेक्ट करते हैं। और बाकी मुझे और एक गिफ्ट मिल चुकी है इधर पे, फिर से फिमोई का एक शैडल मिल चुकी है। अरे यार फिमोई का लेके क्या करूँ। बाकी इधर पे मेरे पास एक पिटरोनोडन है, उसका दे दे भाई, कुछ मदद हो जाएगी। वैसे भी मेरे पास तो इन्वेंटरी में पिटरोनोडन का कुछ है भी नहीं, कि शैडल तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। बाकी इधर पे मैं फटाफट से सारे फ्लोर को फिट तो कर चुकी हूँ। बाकी ये देखो ये थोड़ा ऊंचा ना हो गई, तो ये जगह ना बिल्कुल मतलब उल्टा पुल्टा है यार। सारे जगह इधर पे मतलब एकदम लेवल का नहीं है, तो इधर पे मैं इसको बना नहीं सकती हूँ। इधर के बना रही हूँ तो देखो ऊंचा एकदम ऊपर की तरफ हो जा रही है। तो कुछ भी करके इधर पे मैं इसको सेट नहीं कर पा रही हूँ। देखो कैसे घूम जा रही है, इसको कुछ भी करके सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर एक काम करती हूँ, मैं राइट की तरफ ही बढ़ा लेती हूँ, लेफ्ट की तरफ बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और उधर पे मैंने दोनों और बढ़ा चुकी थी, जो कि मेरे वेस्ट हो चुकी है अभी। बाकी इधर पे मुझे डोडो का भी
डोडो को अभी बनाना है मेरी पेट, तो इसको मैंने इधर पे अनकॉन्शियस कर चुकी हूँ फर्स्ट टाइम के लिए, जो कि मुझे पहले ही करना। बहुत देर बाद मैं इसे पेट बनाने के सोच रही हूँ, ये ठीक मतलब मेरी पेट बन चुकी है। बाकी इसको आप लोग ना उठा के भी लेके जा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा फनी है इस गेम पे, तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करना। और बाकी वो देखो मेरी पहले से डोडो आ गई है, आजा आजा। अरे यार बहुत प्यारा है ये तो चलो फटाफट से वुडन फ्लोर को मेरे पे से। बाकी ये मोटा बैसा ट्राइसेरेटॉप्स इधर मेरे फ्लोर के ऊपर से क्यों जा रहा है पागल कहीं का। तो इधर पे मैं देखो, और एक मुझे ग्रीन कलर की पैराशूट दिख जाती है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो मैं इसे भी टेम करने के लिए सोच लेती हूँ और फटाफट से इसे टेम भी कर लेती हूँ। और इसका नाम मैं रखने वाली हूँ एमरेल्ड। तो ये है मेरी प्यारी एमरेल्ड, ये है ब्राउनी और वो है लसीफा। देखो उधर पे देखो, सलाम ठोकरी है, हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। तो ये देखो एमरेल्ड भी आ चुकी है इधर, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है तीनों एक साथ, कलर बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है। मैं सारे दिन इन लोगों को मतलब बैठे बैठे देख सकती, इतना ज्यादा प्यारा है ये लोग। तो चलो फटाफट से वुडन फ्लोर को इधर पे सेट कर देते हैं, मैं इस बार बनाने वाला बहुत बड़ा वाला एक घर। बाकी हो चुकी है रात, अभी उन लोगों के लिए मैंने कैंप फायर जला दिया, इधर पे मशाल को रख देती हूँ और स्लीपिंग बैग को उधर पे लगा के मैं अभी सोने वाली हूँ। तो देखो एकदम सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत अपना मतलब लकड़ियां वकड़ियां जुगाड़ करने। तो इस साइड के ना लकड़ियां बहुत ज्यादा कम है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना लूसीफर को लेके चलती हूँ और जाके थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी सारे कुछ में जुगाड़ करके लेके आती हूँ। सामने मुझे एक इन्वेंटरी के फिर से एक लाइट दिख जाती है, उसके लिए मैं उसके ग्रीड में मैं आ तो जाती हूँ, बाकी वो मुझे मिलती नहीं है क्योंकि पानी के बहुत ज्यादा अंदर थी और उसपे बहुत ही ज्यादा मतलब मछलियां वगैरह डेंजरस एरिया दिखा रही थी। बाकी मैं आज करने वाली हूँ डोडो का कलेक्शन, तो देखो कितने सारे डोडो को मैं इधर पे मार रही हूँ। सारे के सारे को मुझे बनानी है अपना पेट और मुझे खोलनी है एक अच्छी वाली डोडो वाली फॉर्म। अरे बापरे कितना प्यारा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यारा ना ये लोग, मतलब ऐसे करके कौन आते, देखो कितना प्यार से आ रहे। ओ माय गॉड यार ये लोग कितना ज्यादा प्यारा है यार, मैं सारे दिन बैठ के इन लोगों को लेके घूम सकती हूँ यार, कितना ज्यादा क्यूट है। तो चलो सामने देखो एक ट्राइसेरेटॉप्स उधर पे अटक चुका है, तो मैंने सोचा इधर पे मैं लूसीफर वगैरह को रख देती हूँ और बाकी आगे जाके उसको मारने की कोशिश करती हूँ। तो मैं व्हिसल बजा के इन लोगों को स्टॉप तो बोल देती हूँ, बाकी मैं अकेले चलने के लिए सोच ही रही थी कि इधर पे डिलेस्पेसरस पागल आ जाता है जिसको मारने के लिए मेरे सारे पेट देखो कैसे मतलब एक साथ एक जोट होके लड़ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा प्यारा है। तो हट यार मतलब, अरे हट यार इसको देखो मतलब, अरे यार हट यार। तो चलो इन लोगों को मैं इधर पे रोकने के लिए एक बार बोल देती हूँ, सभी को आने देते एक बार, वो लोग पीछे पड़ गए तो आ जाने देते, फटाफट आ जा बेटा। तो सब लोग आ चुके हैं, तो इन लोगों को मैंने व्हिसल बजा के स्टॉप बोल दिया, तो वो लोग उधर ही खड़े रहेगा। बाकी ट्राइसेरेटॉप्स ये कैसे अटक गया है पेड़ों के बीच देख रहे हो, तो यही मौका है कि इसको मैं इधर पे टेम करने की कोशिश करूँ या फिर इसको मार दूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा हाइट मिल जाएगी। इसको मारने से अभी तक निकल नहीं पा रही थी, अभी तक नौटंकी कर रही थी, जब मैंने इसको मारा ना माथे पे तो इसका बुद्धि खुल गया और ये देखो पीछे से घूम के मतलब उधर हग भी दिया यार इसने, क्या गंदा है यार तू, और भाग का रहा है इधर आ, वो नहीं मार रहा था तेरे को मैं मार रही थी पागल, उधर जा रहा है पागलों की तरह, मतलब बुद्धू है बहुत ही ज्यादा स्टूपिड। अच्छा लेवल 3 का हो आप, आ जाओ इधर से आने की वो कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो भाई चढ़ गया ये, मैं तो इसको गोबर समझ रही थी और ये तो, और बाकी मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा गिर चुकी है इधर पे। ओ शिट यार अभी मैं अपने सारे क्रिएचर्स को बोलती हूँ आके मेरा थोड़ा हेल्प कर दे यार, मेरे को बहुत ज्यादा मार रहा है ये तो। ओ शिट यार कैसे मार रहा है ये पागल, रुको तो स्पीयर से मारने की कोशिश करती हूँ बहुत ही ज्यादा। वो यार ये लोग ना मेरे कारण अभी मर जाए यार, शिट यार चलो फाइनली इसको तो मैं मार देती हूँ। बाकी लूसीफर एंड मेरी डोडो गैंग्स का कुछ नहीं होता। ओ शिट 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 ये ट्राइसेरेटॉप्स कहाँ से आ गया, ओ शिट यार अभी तो ये को मारे ये कहाँ से आ गया, रुको मैं स्पीयर से इसको मारने की कोशिश करती हूँ। लूसीफर क्यों आ रहा है, ओ शिट यार मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैंने इन लोगों को रोका नहीं। ओ माय गॉड यार, अरे यार ये तो भीर गया यार, कैसे कैसे बचाऊ मैं यार, मेरा ना हेल्थ है ना स्टेमिना है और बाकी लूसीफर रुक जाए यार। शिट यार नहीं यार लूसीफर मारा गया, मैं भी मर चुकी हूँ यहाँ पे,
बाकी क्या मेरी लूसीफर जिंदा है या नहीं वो सब मैं नेक्स्ट डे पे बताऊंगी। उससे पहले होला टियर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका दोबारा मिलती हूँ इसके आगे के सर्वाइवल डेज को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। टाटा एंड टेक केयर।